बागपत की बालेनी पुलिस ने दो दिन पहले हुई महिला की फावड़े से काटकर हत्या का खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग महिला की हत्या पड़ोस के रहने वाले शराबी युवक ने लूट करने के बाद की थी। शराबी युवक ने शराब पीने के लिए पैसे जुटाने के लिए पहले तो बुजुर्ग महिला के सोने के कुंडल लूटे और उसके बाद घर में पड़े फावड़े से काटकर उसकी हत्या कर दी। बालोनी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को धरबोचा और लूटे गए सोने के कुंडल भी बरामद कर लिए हैं। दो दिन पहले दिनांक 4 दिसंबर को थाना बालेनी क्षेत्र में अमीपुर बालेनी में एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, उनका नाम हरवई देवी था, उनकी हत्या हुई थी और अज्ञात में इसमें अभियोग उनके परिजनों द्वारा पंजीकृत कराया गया था। संबंधित प्रकरण का शीघ्र पुलिस टीम ने अनावरण किया और इसमें जो मुलजिम है जिसका नाम दीपक पुत्र राजवीर है जो बालेनी क्षेत्र का ही रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया और उससे आला कतल की बरामदगी उसकी निशानदेही पे और साथ ही साथ मृतका के कुछ आभूषण भी उसने लूटे थे वो भी बरामद कर लिया गया। बागपत से सीनियर संवाददाता जावेद खान के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।